मकर संक्रांति 2024 14 जनवरी रविवार या 15 जनवरी सोमवार जाने सही तिथि। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी, 14 जनवरी रविवार या 15 जनवरी सोमवार। संक्रांति शुभ समय व मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन पर बन रहे शुभ योगों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। ज्योतिष अनुसार मकर राशि में सूर्य के आगमन को मकर संक्रांति कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में आने के साथ ही मलमास भी समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा ने सगर के पुत्रों का उद्धार किया और गंगा सागर में जा मिली। इस साल मकर संक्रांति पर बेहद शुभ योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस योग में स्नान दान पूजा पाठ जप तप से साधक को दोगुने फल प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं 2024 में मकर संक्रांति की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या शुभ योग बनेंगे। मकर संक्रांति 2024 शुभ मुहूर्त। साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त होगा 15 जनवरी प्रातःकाल 7:15 से शाम 5:46 तक। मकर संक्रांति महापुण्यकाल समय होगा 15 जनवरी प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:00 तक। स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:00 तक। 15 जनवरी को क्यों है संक्रांति? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को होगी। 15 जनवरी को सूर्यदेव प्रातःकाल 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मनाना शुभ होगा। मकर संक्रांति 2024 शुभ योग। ज्योतिष अनुसार मकर संक्रांति पर इस बार रवि योग का खास संयोग बनेगा। साथ ही मंगल और बुध धनु राशि में विराजमान होंगे। ज्योतिष में इन ग्रहों की युति बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस युति के प्रभाव से जातक को राजनीति, लेखन और प्रकाशन में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस योग में स्नान दान करने से विशेष लाभ मिलते हैं। इस दिन रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। ज्योतिष अनुसार रवि योग पर सूर्य का प्रभाव रहता है, ऐसे में इस दौरान अशुभ मुहूर्त का भी असर नहीं पड़ता। इस योग में सूर्य पूजा से सौभाग्य मान सम्मान में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान या फिर घर पर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे से जल लेकर उसमें काला तिल, गुड़ और गंगा जल मिलाकर सूर्य देव के मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ दें। इसके बाद जरूरतमंदों को तिल और खिचड़ी का दान करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।